बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 5 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट करंट अफेयर है आईएमएफ एग्रीमेंट जो मैं रात को होगा। तो आईएमएफ क्या है पहले तो इसके बारे में देखते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये जुलाई 1944 में कायम हुआ, 1944 को कायम हुआ, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, यानी कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अमेरिका में है। ये बैंक है एक। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है। शहबाज़ मरियम का नाराज़ अरकान को मनाने का फैसला, जो भी नून लीग से नाराज़ थे उनको मनाने का फैसला किया है। अदारों के खिलाफ मुहिम पर सख्त इकदाम किए जाएंगे। भारतीय एजेंसियों का एक और मनसूबा नाकाम, ये इंपॉर्टेंट है। योम यकजहती कश्मीर आज मनाया जाएगा। ये जो योम यकजहती कश्मीर जो दिन है, ये 5 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में ही बताऊँगा, बाकी सिर्फ रीड आउट करेंगे। कौमी असम्बली तमाम जेरे इल्तवा इंतखाबात मार्च में होंगे। इमरान एक दो दिन के लिए जेल गया, आज तक याद दिलाते हैं। तो 28 नवंबर से पहले इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा कोरोना फंड्स में, ये एक इंपॉर्टेंट है न्यूज़, 2 अरब 90 करोड़ की बेकायदगियाँ। खैबर पख्तूनख्वा KPK, जो ये KPK है इसका दारकूमत पशावर है और ये पाकिस्तान का सूबा है। ये रकबे के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये तीसरे नंबर पर है। और आज़म खान इसके चीफ मिनिस्टर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले जो महमूद खान थे चीफ मिनिस्टर, पेशावर हमले में एक और सहूलतकार का किरदार सामने आ गया। कौन कितने दिन जेल में रहा, नून लीग का PTI रहनुमाओं से मुआवजना, कुरान की बेहरमती, मुकदमा कौन करेगा, खान साहब को जेल भरो तहरीक का गलत मतलब बताया गया। अमेरिका तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत, अमेरिका में बहुत सर्दी पड़ रही है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड 78 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वहाँ पे दर्जा हरारत है। इस्लामाबाद के पार्क में लड़की से ज्यादती हुई है। तो आज की कौमी खबरें पढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर जिला हटिया में आतजदगी, 9 मकान जल गए। पंजाब डिप्टी कमिश्नर समेत 64 अफसरान के तकरर और तबादले किए गए हैं। 9 माह की बेटी को कत्ल करने वाला बाप गिरफ्तार। PTI के मुस्ताफी 81 अराकीन बदस्तूर पार्लियामेंट लॉजेस पर काबज हैं, यानी कि अभी तक उन्होंने पार्लियामेंट को ही नहीं, जो रहायशी हैं वहाँ से उन्होंने अपनी रहायश को नहीं छोड़ा, वहाँ पर अभी तक कायम है। लाहौर में ब्लू वर्ल्ड रोड पर सड़क के बीचों बीच पोल लगा कर छोड़ दिया गया। जूतों के गोदाम में लगी आग फायर फाइटर्स का इम्तिहान बन गई। पेशावर पुलिस लाइन हमलावर की सूरतकार के साथ तस्वीर मंजर आम पर आ गई। शहरियों ने डाकुओं को जिंदा जलाकर मार डाला। F9 पार्क में लड़के से ज्यादा के वाक़े पर पुलिस का बयान, पुलिस ने दिला स्वाबी को बड़ी तबाही से बचा लिया। ये इंटरटेनमेंट है। ये राखी सावंत है ने खुशखबरी सुना दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको पढ़ते हैं। 19 जबानों में 10,000 से ज़ायद गीत गाने वाली गुलकारा चल बसी, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कौन थे, जे रामपाल, इनका नाम था जे रामपाल। ये इंडिया से थी, इंडिया वेने जे राम हु सेंग मोर देन 10,000 सॉन्ग्स इन 19 लैंग्वेज पास्ट अवे। ये अपने इंडियन सिंगर का नाम याद रखना है, वेन जे राम, जिन्होंने 10,000 गाने गाए हैं 19 जबानों में। तो ये चाल बसी हैं, ये इनकी पिक है, ये देखेंगे इनकी पिक्चर है। फॉर्मर इंडियन सिंगर वेनी जे राम वाज फाउंड डेड एट हर रेजिडेंस इन चेन्नई। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अब और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो पढ़ते हैं। बस ये इम्पोर्टेंट थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के लिए कंगना रनौत का पैगाम, ये इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ईरान में फिल्म डायरेक्टर जाफर पनाही जमानत पर रहा, यह जाफर पनाही वाला आपने याद रख लेना। और इसके बाद है कौमी खेलों की खबरें, अब जो इंपॉर्टेंट है जहां से पेपर में आते हैं। PSL के लिए सब खिलाड़ी तैयार हैं, नसीम शाह। ECC अजलास में नजम सेठी का सख्त मौकफ। ECC का मतलब होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अजलास हुआ है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि जो एशिया वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान में होगा कि नहीं, क्योंकि इंडिया ने मुखालफत की है कि हम वो पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो इसके बाद है एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं, फैसला नहीं हो सका। जहाँ पर ECC के ये फैसला करना था कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं, तो अभी तक इंडिया इसकी मुखालफत कर रहा है। DSP बनने पर नसीम शाह ने किन ख्याल का इजहार किया, इसको जाली तौर पर नसीम शाह को DSP बनाया गया है। 2 माह में 4 कौमी क्रिकेटर तो शादी के बंधन में बंध गए, हमारी प्राइवेसी का एहतराम नहीं किया गया। शाहीन ने अपनी और अहलिया के लिए क्या दुआ मांगी, शाहीन की शादी हुई है शाहद खान अफरीदी की बेटी से, तो
और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई, यानी कि जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप होना है 2023 में, उसकी ट्रॉफी अनवील कर दी गई है। नसीम शाह को एजाजी DSP बना दिया गया, नसीम शाह को एजाजी DSP बना दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रिजवान की जुम्मेदाराना बैटिंग, कमेला विक्टोरियंस की चटोग्राम चैलेंजर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। अब है बैन अलावा न्यूज़पेपर न्यूज़, अमेरिका तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत -78, यानी कि अमेरिका में -78 तारीख का सबसे कम दर्जा हरारत है। वालदैन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए खतून की खुदकुशी, बेइज्जती का बदला लेने के लिए नौजवान ने खतून को रेप के बाद कत्ल कर दिया, गाड़ी से सिगरेट का टुकड़ा फेंकने पर जुर्माना होगा, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला, ये न्यूज़ अहम है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है तो जंगी कैदी हैं उनका तबादला करने का फैसला किया है। ये देखें, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला किया गया है। देयर हैज़ बीन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन आफ्टर विच डोजन ऑफ प्रिजनर्स लेफ्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। एंड्रे यरमाक, अ प्रेजिडेंशियल एडवाइजर ऑफ यूक्रेन, सेड ऑन सोशल मीडिया डेट रशिया हैज़ रिलीज्ड, रशिया ने रिलीज किए हैं 1166 यूक्रेनियन, 116 यूक्रेनियन सोल्जर्स, और ही सेड दैट अमंग द रिलीज्ड प्रिजनर्स वर आल्सो ऑफिशियल्स हु डिफेंड द रशियन अटैक ऑन मैरियुपोल। तो ये था अब ये न्यूज़ थी कि उन्होंने एक्सचेंज किया है रशिया और यूक्रेन। फिर इसके बाद था, ये हमने पढ़ ली है सारी। उसके बाद ये बैन अलाक्वामी हम पढ़ रहे थे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी का निकल, इसराइल से कशीदगी काम करने के लिए फलस्तीनी रहनुमाओं को दौरा मिस्र की दावत, ये भी न्यूज़ भी बहुत अहम है। इसमें पढ़ते हैं, इसराइल से कशीदगी काम करने के लिए फलस्तीनी रहनुमाओं को दौरा मिस्र की दावत। ये देखें, इजिप्ट हैज़ इनवाइटेड हमास एंड पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद लीडर्स टू कायरो टू ईज टेंशन विद इसराइल। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जिहाद ज़ियादुल नखला मीट विद द हेड ऑफ इजिप्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन कायरो। द लीडर ऑफ इस्लामिक जिहाद डिस्कस द लेटेस्ट सिचुएशन इन यरूशलम, द वेस्ट बैंक एंड स्पेशली इन जिनन। जो ये पैलेस्टीन है ना, फलस्तीन को अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है, तो इसराइल ने इसके वेस्ट बैंक पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ पर जैसे कश्मीर में होती रहती है झड़पें, इसी तरह वहाँ पर भी होती हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो है ना, वो इजिप्ट ने कहा है कि आप जो हैं सारे लीडर्स वहाँ कायरों में आएँ, वहाँ इस मसले के हल के लिए कुछ करते हैं, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ पर अब जाएंगे तो ये देखें, ये ऑन द अदर हैंड इस्माइल हैनिये द लीडर ऑफ हमास इन कतर, जो कतर में लीडर हैं, विल आल्सो विजिट कायरो दिस वीक। ड्यूरिंग दिस टाइम ही विल मीट विद द हेड ऑफ इजिप्टियन इंटेलिजेंस एजेंसी एंड अदर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। द मीटिंग विल डिस्कस रिड्यूसिंग टेंशन एंड रिस्टोरिंग पीस इन वेस्ट बैंक, गाजा एंड यरूशलम बिफोर रमजान। इट शुड बी इट शुड बी रिमेंबर डैट अब्बास कामिल जो है, अब्बास कामिल द हेड ऑफ इजिप्ट सेक्रेटरी एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट। ये आपने जो सीक्रेट एजेंसी है ना उसकी, इजिप्ट की, उसके जो चेयरमैन हैं या डायरेक्टर हैं वो अब्बास कामिल हैं। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट एंड सीनियर ऑफिशियल इन रमला लास्ट वीक। अहमद हुसनी, डायरेक्टर ऑफ जॉर्डियन इंटेलिजेंस एजेंसी, आल्सो प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। अहमद हुसनी ये भी वहाँ पर मौजूद होंगे। फिर इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं, जाली हेबडो मैगजीन का डाटा किसने चुराया? यूएई, फ्रांस और भारत का अहम शोबे में वसी तर 52 पर इतफाक। यूएई, फ्रांस और भारत का अहम शोबे में वसी तर, ये यूएई, फ्रांस और भारत का अहम शोबों में तावन के लिए फैसला हुआ है। ये देखें, ये जो है, ये तीनों खड़े हुए हैं। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं कैथरीन कोलेंडे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जय शंकर, एंड यूएई फॉरेन मिनिस्टर हैं शेख अब्दुल्ला बिन जैद। इन तीनों का अपने नाम याद रखना है। ये देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और बहुत ही, ये तीनों फॉरेन वजीर खारजा हैं, ये फ्रांस के हैं जिन्होंने ऐनक लगाई हुई है इसका नाम है, और यूएई के हैं शेख अब्दुल्ला, और सेंटर में जो है वो हैं जय शंकर इंडिया के, और जो फीमेल खड़ी हुई हैं वो हैं कैथरीन
कैथरीन कोलंडे ये इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ खड़ी हैं। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस एंड इंडिया हैव एग्रीड टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जैद, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर हैं कैथरीन कोलंडे एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर। इन तीनों के अपने नाम याद रखने हैं फॉरेन मिनिस्टर्स के, इन्हीं में से पेपरों में पूछते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अब 6 साल बच्चे ने अम्मा के फ़ोन से $1,000 का खाना ऑर्डर कर दिया। अफगानिस्तान को तनहा नहीं करना चाहते। थॉमस निकल्सन अब कौन है, अब देखते हैं। अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के खसूसी एलची, ये आपने याद रखना है। थॉमस निकोलसन द यूरोपियन यूनियन स्पेशल इन्वॉय फॉर अफगानिस्तान सेज डैट दे डू नॉट वॉन्ट टू आइसोलेट अफगानिस्तान बट दे आर नॉट एट द टेबल टू रिकॉगनाइज द तालिबान गवर्नमेंट। यानी कि थॉमस निकोलसन ये स्पेशल इन्वॉय है फॉर अफगानिस्तान यूरोपियन यूनियन की तरफ से। इन्होंने कहा है कि वो अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो तालिबान के गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना। इसके बाद है अफगानिस्तान का आज का अखबार, ये इमरान खान है। इन्होंने कहा है जेल भरो तहरीक की धमकी दी है कि तैयार है। जेल भरो तहरीक में क्यादत पहले गिरफ्तारी देती है। IMF महदा जुमेरात को मुतवक्का है। एपेक्स कमेटी का अफगान महाजन के हवाले से नजरसानी का फैसला। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत का तावन लेंगे। 28 नवंबर से पहले इस्टेब्लिशमेंट न्यू यह है मुअज्जम जहाँ अंसारी, ये आपने याद रखना है। यह है मुअज्जम जहाँ अंसारी IG पेशावर हैं, ये यानी कि KP के। जेल भरो तहरीक भी टेरे रहनुमा के तहफात भारतीय रूसी पेट्रोल की दैगियाँ दरहम में करेगा। शहबाज मरीम का नाराज अरकान को मनाने का फैसला। अमरीकी तैयारों ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। तो ये आज की इम्पोर्टेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।